इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना? इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा उसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, तो इसमें दो टाइप्स के रिएक्शन होंगे, टू टाइप्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें, ठीक है। रेड मीन्स क्या होता है? रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मान लीजिए जेडन है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, जेडन टू प्लस, और दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहा है, ठीक है, लॉस कर रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। और मान लीजिए कॉपर है, टू प्लस, ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा? Cu। तो ये हो गया रिडक्शन, गेन कर रहा है। अभी दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हुआ है ये कंज्यूम कर लेगा, तो Zn प्लस Cu2 प्लस के साथ कंबाइन होकर Cu प्लस Zn2 प्लस बनाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, ठीक है, ये लिख लो। तो इसी में, इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो कोई भी बैटरी रहेगा उसके अंदर इस रिडॉक्स रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, ठीक है, ये लिखो पहले। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और यूज हम लोग क्या करते हैं, ये जो ओम्स लॉ होता है ना, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्या होता है? वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ये पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू आई आर है, तो आर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? वी बाई आई, ठीक है। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है? करंट, ठीक है, और आर क्या है? रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, वन अपॉन आर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन वी बाई आई, ठीक है। तो वन अपॉन आर को हम लोग जी बोलते हैं, कंडक्टेंस, क्या बोलते हैं? जी, जी इज योर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस का अगर डिफिनेशन बोलेंगे तो क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है। तो अगर जी का अगर मैं यूनिट निकालूं, तो जी इज इक्वल टू वन अपॉन आर है, तो आर का यूनिट होता है ओम, ठीक है। तो जी का यूनिट क्या हो गया? ओम इनवर्स, ठीक है। इसको हम लोग उल्टा ये मोहो बोई बोलते हैं, ठीक है, ये लिख लो। और दूसरा यूनिट क्या आएगा? ठीक है, यहां तक लिखो पहले। तो जी इज इक्वल टू क्या आया? वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन वी बाई आई, तो इसको ऐसे आई बाई वी भी लिख सकता हूँ। तो दूसरा यूनिट एम्पियर पर वोल्ट भी होगा, ठीक है, और दूसरा और तीसरा यूनिट होता है सीमेंस भी होता है, ठीक है। दूसरा ओम इनवर्स मोहो भी बोलते हैं। तो ये यूनिट्स पूछ लेता है एमसीक्यू में, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या है? तो एम्पियर पर वोल्ट, सीमेंस, ओम इनवर्स, मोहो, ये चारों में से एक होगा तो सही है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो एक नया फॉर्मूला अभी सीखा तुम लोग, क्या? जी इज इक्वल टू वन अपॉन आर इज इक्वल टू आई बाई वी, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। जी कंडक्टेंस है, आर रेजिस्टेंस, आई करंट, वी वोल्टेज। थर्ड है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए,
ठीक है, आर रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, रो क्या है रेजिस्टिविटी, एल क्या है लेंथ, ए क्या है एरिया, आर क्या है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल लो, और यहां पे ये भी देखो, लेंथ बाई एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बी, इसको हम लोग जी स्टार भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया सेल कांस्टेंट का, लेंथ बाई एरिया। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो वन अपॉन आर को क्या बोलते हैं हम लोग, जी, और वन अपॉन रो को बोलते हैं के, कंडक्टिविटी, और एल अपॉन ए को बी। तो यहाँ पे वन अपॉन आर को, रो को क्या बोला, के बोला है, के क्या है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, ये लिख लो। तो नया फॉर्मूला क्या मिला तुम्हें, जी इज इक्वल टू के बाई बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया, के इज इक्वल टू वन अपॉन रो। फोर्थ, फिफ्थ क्या मिला, बी इज इक्वल टू एल अपॉन ए। ठीक है, बी क्या है सेल कांस्टेंट। ठीक है, के क्या है कंडक्टिविटी, रो क्या है रेजिस्टिविटी, ठीक है, जी क्या है कंडक्टेंस, डी सेल कांस्टेंट है, और के कंडक्टिविटी है फिर से। ठीक है, ये याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, अगर मैं सेल कांस्टेंट का यूनिट निकालूं तो एल बाई ए एरिया फॉर्मूला है, अगर इसका मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा मीटर इनवर्स, तो बी इज इक्वल टू क्या मिला मीटर इनवर्स। ठीक है, और के का यूनिट क्या आएगा कंडक्टिविटी का, ये वन अपॉन रो है। ठीक है, तो ये इसको निकालना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, तो यहाँ से रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल है, तो ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। ठीक है, तो ये वन अपॉन ओम इंटू मीटर है, इसका जस्ट उल्टा कर दो कंडक्टिविटी का, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये लिख लो, और यहां से बी का तुम लोग निकाल के बताओ, के बाई बी है तो क्या मिलेगा यूनिट।